अगर आपका बजट 25,000 रुपए है और आपको इस बजट में एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आप टॉप क्लास की गेमिंग कर पाओ तो यह वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन जो आपको मिलते हैं अंडर 25,000। इन सभी मोबाइल्स में आप गेमिंग के साथ डिस्प्ले कैमरे क्वालिटी भी टॉप क्लास का मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए आए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो पांचवे नंबर पे जो गेमिंग स्मार्टफोन है वो है IQ का Z6 Pro 5G। अगर आपको 22 से 23 हजार के रेंज के लिए एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो IQ का यह मोबाइल आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको 6.44 इंच का FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलता है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। परफॉर्मेंस में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट है जो कि 6nm बेस्ड है, LPDDR4X रैम, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। अगर इसके अंतु स्कोर की बात करें तो 5,10,000 के ऊपर इसका अंतु स्कोर आता है तो गेमिंग क्वालिटी भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। मीडियम टू सेकंड हाई सेटिंग पे आप आराम से सभी गेम खेल पाएंगे। फन टच का OS है जो कि बेस्ड एंड्रॉइड 12 पे, 4700mAh का बैटरी है जिसमें 67W का चार्जिंग सपोर्ट करता है, कैमरे क्वालिटी भी ठीक ठाक है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है 64MP का एंड फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। मेन कैमरे में आप 4K में वीडियो शूट कर पाएंगे 30fps पे एंड बहुत सारे फोटोग्राफी मोड एंड फिल्टर भी अवेलेबल है। फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो 8GB 128GB का वेरियंट आपको मिल जाएगा 22,999 रुपए का। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर मोबाइल पे जो है पोको का X5 Pro 5G। पोको का जो ये मोबाइल है ना ये लेटेस्ट ही लॉन्च हुआ है और इस मोबाइल में सबसे बेस्ट पार्ट इसका परफॉर्मेंस है। इसमें आपको परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा मिल जाएगा। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 6.7 इंच का FHD प्लस 120Hz AMOLED डिस्प्ले है, 900 निट्स पीक ब्राइटनेस है एंड HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट अवेलेबल है। डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 5 का भी सपोर्ट है, मतलब आप 1 बिलियन कलर देख पाएंगे इसमें, तो डिस्प्ले में कोई भी कमी नहीं है। परफॉर्मेंस में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट है जो कि 6nm बेस्ड है, LPDDR4X रैम, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। अंतु स्कोर की बात करें जिसका अंतु स्कोर भी 5,20,000 के ऊपर आता है तो गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको बहुत ही तगड़ा मिलेगा। सेकंड हाईएस्ट सेटिंग तक आप आराम सभी गेम खेल पाएंगे। लैग इश्यू हीटिंग इश्यू ज्यादा देखने को इसमें नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर में लेटेस्ट MIUI 14 है जो कि बेस्ड एंड्रॉइड 12 पे, 2 साल का OS अपडेट एंड 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। बैटरी में 5000mAh का बैटरी है जिसमें 67W का चार्जर सपोर्ट करता है। बात करें इसके कैमरे की तो इसमें आपको 108MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 108MP का प्राइमरी कैमरा और सैमसंग का HM2 का सेंसर है जिसकी फोटो क्वालिटी बहुत ही अच्छे आते हैं। इस कैमरे में आप 4K में वीडियो शूट कर पाएंगे 30fps पे। फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा और इस कैमरे में भी बहुत सारे फोटोग्राफी मोड एंड फिल्टर भी अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस स्पीकर मिल जाएगा, IP53 सर्टिफाइड है और साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है। फाइनली बात करें इसके प्राइस की तो 6GB 128GB का वेरियंट आपको मिलेगा 22,999 रुपए का। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर स्मार्टफोन पे जो है रियलमी का 10 प्रो प्लस। रियलमी का यह मोबाइल भी लेटेस्ट ही लॉन्च हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ इस मोबाइल को लॉन्च हुए और इस मोबाइल का भी डिस्प्ले बहुत ही बेहतरीन है, उसके साथ डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी भी शानदार मिल जाएगा। इस मोबाइल में एक ही कमी है, इसमें आपको बहुत सारे ब्लूटूथ मिल जाते हैं, उसके अलावा और सभी फीचर टॉप क्लास के हैं। चलिए जान लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसमें आपको 6.7 इंच का FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, यह है कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, डिजाइन भी इसका बहुत ही शानदार है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है एंड 800 निट्स का पीक ब्राइटनेस है। इसमें आपको HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट मिल जाएगा तो इसके भी डिस्प्ले में कोई कमी आपको नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस में आपको MediaTek Dimensity 1080 का चिपसेट है जो कि 6nm बेस्ड है जिसका अंतु स्कोर 5,10,000 के आसपास है तो आराम से मीडियम सेटिंग में सभी गेम खेल पाएंगे। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Realme UI का सॉफ्टवेयर है जो कि बेस्ड एंड्रॉइड 13 पे। Realme UI इसके बहुत बड़ी कमी है, बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप पहले से मिल जाते हैं। उसके अलावा बैटरी में 5000mAh का बैटरी है जिसमें 67W का चार्जिंग सपोर्ट करेगा। बात करें इसके कैमरे की तो 108MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है एंड फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। मेन कैमरे में आप 4K में वीडियो शूट कर पाएंगे 30fps पे। कैमरे क्वालिटी अच्छा है, प्राइमरी कैमरे की फोटो बहुत ही अच्छे आते हैं, फोटो की कलर्स एंड क्लियरिटी बहुत ही तगड़े हैं, बहुत सारे फोटोग्राफी मोड एंड फिल्टर भी अवेलेबल है। इसके अलावा स्पीकर में आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा। फाइनली बात करें इसके प्राइस की तो 6GB 128GB का वेरिएंट आपको मिलेगा 24,999 रुपए का। बढ़ते हैं सेकंड नंबर स्मार्टफोन पे जो है रेडमी का K50i। अब यह मोबाइल इस लिस्ट का सबसे बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है। 25,000 के अंदर अगर आपको एक बेस्ट गेमिंग मोबाइल चाहिए तो आप रेडमी का यह मोबाइल जाके जरूर चेकआउट करें। इसकी परफॉर्मेंस क्वालिटी बहुत ही तगड़ा है क्योंकि इसमें आपको मिलता है MediaTek Dimensity 8100 का चिपसेट जो कि बहुत ही पावरफुल चिपसेट है जिसमें LPDDR5 रैम, UFS 3.1 का स्टोरेज है। इसके अंतु स्कोर की बात करें तो 8
10,000 के ऊपर इसका अंतु स्कोर आता है, तो आइडिया आप लगा सकते हैं कि गेमिंग परफॉर्मेंस आपको कितना तगड़ा मिलेगा। MIUI का सॉफ्टवेयर है इसमें जो कि बेस्ड एंड्रॉइड 12 पे। डिस्प्ले में आपको 6.6 इंच का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले है 144Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। बैटरी की बात करें तो 5080mAh का बैटरी है जिसमें 67W का चार्जिंग सपोर्ट करता है। कैमरे क्वालिटी भी इसका अच्छा खासा है, 64MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। मेन कैमरे में आप 4K वीडियो शूट कर पाएंगे 30fps पे। इसके अलावा इसमें भी आपको डॉल्बी एटमॉस स्पीकर मिल जाएंगे। यह भी मोबाइल IP53 सर्टिफाइड है एंड साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है। फाइनली बात करें इसके प्राइस की, तो यह मोबाइल आपको 6GB 128GB का वेरियंट मिलेगा 23,999 रुपए का। फाइनली बढ़ते हैं अपने फर्स्ट नंबर मोबाइल पे जो है IQ का NIO 6 5G। अब IQ के इस मोबाइल का प्राइस आपको 27-28 हजार के आसपास मिलता है, बट यह मोबाइल प्योरली बना ही गेमिंग के लिए है। IQ के मैक्सिमम जितने मोबाइल्स होते हैं वो गेमिंग के लिए होते हैं, तो यह भी मोबाइल बहुत ही तगड़ा है गेमिंग के लिए। अगर यह मोबाइल अगर आपको ऑफर में या कभी भी सेल में 25,000 तक मिलता है तो इसको आप जरूर लीजिएगा, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है गेमिंग के लिए। चलिए जान लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसमें आपको 6.6 इंच का FHD प्लस E4 AMOLED डिस्प्ले मिलेगा 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। 1300 nits का पीक ब्राइटनेस है। परफॉर्मेंस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट है जिसमें LPDDR5 RAM UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप है। सॉफ्टवेयर में फन टच का OS है जो कि बेस्ड एंड्रॉइड 12 पे। इसके अंतु स्कोर की बात करें तो 7,50,000 के ऊपर इसका अंतु स्कोर आता है, तो इसमें भी आप गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा मिलेगा। हाई सेटिंग पे आप आराम से सभी गेम खेल पाएंगे। गेमिंग को और इम्प्रूव करने के लिए इसमें आपको बेस्ट कूलिंग चेंबर मिलेगा। 4D गेमिंग वाइब्रेशन भी इसमें अवेलेबल है। और हाँ, इसमें आप BGMI 90fps तक खेल सकते हैं। बात करें इसके बैटरी की, तो 4700mAh का बैटरी है जिसमें 80W का चार्जर सपोर्ट करता है। कैमरे की बात करें तो 64MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। इसका कैमरा भी अच्छा है, प्राइमरी कैमरा आपको बहुत ही बेहतरीन फोटो निकाल के दे देगा। 4K में आप इसमें वीडियो शूट कर पाएंगे 30fps पे। इसके अलावा इसमें भी आप बहुत सारे फोटोग्राफी मोड एंड फिल्टर भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको IQ NIO 6 अंडर 25,000 के अंदर मिलता है तो आप जरूर इसे चेकआउट कीजिएगा। तो ये थे टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन जो आपको मिलते हैं अंडर 25,000। सभी के सभी मोबाइल्स वैल्यू फॉर मनी है। आपको इन पांचों गेमिंग स्मार्टफोन से कौन सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।